नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भर्ती के बाहरी स्रोत कौन कौन से हैं और भर्ती के बाहरी स्रोतों के लाभ हानि बताइए। लास्ट क्लास में हमने भर्ती के आंतरिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। जब संस्था के अंदर ही जो एम्प्लॉई हैं उनमें से ही लोगों को इधर से उधर भेज दिया जाए, या फिर जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उन्हें अपर लेवल पर भेज दिया जाए, उनकी पदोन्नति कर दी जाए, तो वो भर्ती के आंतरिक स्रोत कहलाते हैं। या फिर जो पुराने एम्प्लॉई हैं कुछ समय बाद उन्हें हटा दिया लेकिन दोबारा उन्हें बुला लिया तो उन्हें ले ऑफ या अस्थायी अलगाव कहा जाता है, तो वो भी हमारे भर्ती के आंतरिक स्रोत कहलाते हैं। लेकिन ये जितने भी तीनों के तीनों बताइए भर्ती के आंतरिक स्रोत इसलिए हैं क्योंकि संस्था के अंदर ही काम कर रहे हैं ये लोग, हमें बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर संस्था के लिए अगर जितनी भी ज़रूरत है उसके लिए हम बाहर के लोगों को अप्रोच करें, ठीक है, संस्था के बाहर के लोगों को बुलाएं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, भर्ती के बाहरी स्रोत। जब कर्मचारियों की भर्ती के लिए अर्थात खाली खाली पदों को भरने के लिए संस्था के बाहर के लोगों को बुलाया जाता है तो ये भर्ती के बाहरी स्रोत कहलाते हैं। ये 8-10 हैं तो एक एक करके पढ़ लेते हैं इनके बारे में। जैसे प्रत्यक्ष भर्ती, ये जनरल आपने लाइफ के अंदर देखा भी होगा, आपके आसपास अगर कोई फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कई बार कि 2 हेल्परों की आवश्यकता है या 4 हेल्परों की आवश्यकता है या मशीन चलाने वाले मेन जो काम करने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकता है या 10 हेल्परों की आवश्यकता है या स्क्रीन प्रिंटिंग पर काम करने वाले 10 हेल्परों की आवश्यकता है, मतलब जो एक मशीन का नाम लिख देंगे और उसके बाद बोर्ड लगा देंगे कि इस पर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है या इतने कारीगरों की आवश्यकता है या शर्ट बनाने वाले कारीगरों की आवश्यकता है। तो जब इस प्रकार का बोर्ड लगा दिया जाता है गेट कंपनी के गेट के बाहर ही, तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो जो लोग हेल्पर हैं या फिर जो लोग कारीगर हैं वो संस्था में जो मेन गेट पर जो बंदा बैठा होगा उससे बात करेंगे, फिर वो जो मेन उनका जो सुपरवाइज़र होगा उसको बुलाया जाएगा, फिर वो उनका इंटरव्यू लेगा और लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता है, इनकी उनका चुनाव कर लिया जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती बाहर से लोगों को बुलाया, भर्ती का बाहरी स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिक बुलावा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कैजुअल कॉलर बोलते हैं इन्हें, कैजुअल कॉलर्स। इसमें क्या होता है कि संस्था में चाहे निम्न स्तर के कर्मचारी हों और चाहे लोअर लेवल के प्रबंधक हों, ज़्यादातर वैसे निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए ही बात होती है, यानी कि जो प्रबंधक नहीं है नॉर्मल लेवल उनके लिए बात होती है। तो उसमें क्या है कि ये लोग जो भी जॉब के इच्छुक लोग हैं उनको बुलाया नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे लोग कई फैक्ट्रियों में जाकर के या कई कंपनियों में जाकर के अपना बायोडाटा सबमिट करवा देते हैं कि सर हमें ये हमारी क्या नाम है क्वालिफिकेशन है, हम ये काम जानते हैं, हमारी ये एज है और हमारी एक्सपेक्टेड सैलरी इतनी है, अगर आपको काम की आवश्यकता हो, काम पर हमारे को रखने की आवश्यकता हो तो आप हमें प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो अपना एक बायोडाटा और एक फ़ोटो लगा करके कंपनी के पास छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसी कई कंपनियों के साथ ऐसा करते हैं। तो जब कंपनी के पास इस तरह से डाटा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी के पास मान लीजिए 5,000 लोगों का डाटाबेस तैयार हो गया और कंपनी को फिलहाल अभी 50 लोगों की आवश्यकता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, ज़रूरी नहीं करेगी, तो कंपनी क्या कर सकती है, 50 लोगों की जो ज़रूरत है और कंपनी चाहती है कि बाहर से इन लोगों को भरा जाए, तो वो इन 5,000 डाटाबेस के लोगों को फ़ोन करके बुलवा सकती है। यानी कि 5,000 में से हो सकता है 4,000 लोगों को बुलाए, 1,000 लोगों को बुलाए, 500 लोगों को बुलाए, या केवल 100 लोगों को बुलाए। तो ऐसे लोगों को बुलवा लिया जाता है, फिर उनका टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, फिर उनमें से लोगों को चुना जा सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, कैजुअल कॉलर्स। तो कंपनी के पास जो बाहर के लोग जिनको बुलवाया नहीं भी गया है वो भी लोग अपना बायोडाटा दे करके चले जाते हैं, तो कंपनी के पास जो डाटाबेस इकट्ठा हो गया है, कंपनी के पास जो बायोडाटा इकट्ठे हो गए हैं, फिर वो बाद में अगर उनमें से किसी लोगों को बुलवाती है तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, आकस्मिक बुलावा, कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन माध्यम। विज्ञापन माध्यम में कंपनी ने टीवी में ऐड डाल दी या न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, इस तारीख से इंटरव्यू होंगे और इतनी देर तक है, आ जाइए आप अपने इंटरव्यू दे करके चले जाइए। रेडियो में ऐड डाल दी, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी, टीवी में ऐड डाल दी, होर्डिंग्स वगैरह लगवा दिए, तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है, विज्ञापन माध्यम से लोगों को भर्ती के लिए बुलाना, इतनी पोस्ट खाली हैं, जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इतनी क्वालिफिकेशन पर हमारे पास फॉर्म भरने के लिए आ जाइए। तो जब विज्ञापन माध्यम से बुलाया जाता है तो ये भी भर्ती का भारी स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा आपको, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेलवे के लिए या क्लर्क वगैरह की पोस्ट के लिए, रेलवे में या फिर क्लर्क की पोस्ट के लिए जो भी अपॉइंटमेंट होती थी आज से कुछ समय पहले, अब तो खैर इतना ज़्यादा चलन में नहीं है, तो कुछ समय पहले क्या होता था कि ज़्यादातर लोगों को
ये बोला जाता था कि अगर आपको ये क्लर्क की पोस्ट चाहिए तो पहले आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल रखे हैं जहाँ पर 8th pass, 5th pass, 10th pass, 12th pass ग्रेजुएशन करने के बाद या IIT करने के बाद, ITI करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो उसमें डिफरेंट ट्रेड के अंतर्गत लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा जाता है। और फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जिनको भी मान लीजिए 10 क्लर्क की आवश्यकता है, 10 क्लर्क्स की आवश्यकता है, तो वो लोगों को डायरेक्ट नहीं बुलाते, वो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से संपर्क करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने भी उनके पास जितना भी डाटा इकट्ठा हो रखा है लोगों का, वो डाटा फिर उस डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं, फिर डिपार्टमेंट उसके हिसाब से लोगों को चुन करके कॉल करके बुलवा लेते हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है एक प्रकार से मीडिएटर का काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना डाटा भेजते हैं, अपना डाटा रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, और फिर डिपार्टमेंट जैसे मान लीजिए SBI के अंदर 10 क्लर्क की आवश्यकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 क्लर्क्स की आवश्यकता है, तो SBI हम लोगों को संपर्क नहीं करेगा या फिर विज्ञापन के माध्यम से नहीं भेजेगा, वो क्या करेगा SBI एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बात करेगा कि हमें 10 क्लर्क की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला 50 क्लर्क या 100 क्लर्क या 500 क्लर्क का डाटा उस डिपार्टमेंट को SBI को भेज देगा, फिर SBI उसमें से चुन करके फिर लोगों को बुलवाता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं जहाँ पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जहाँ पे लोग अपने ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनको जॉब की आवश्यकता है वो जाकर के अपना बायोडाटा दे देते हैं, और प्लेसमेंट एजेंसी डिफरेंट कंपनीज में बात करके कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हम लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायोडाटा आपस में एक्सचेंज कर देती हैं, तो हम लोगों को जॉब मिल जाती है और कंपनी को कर्मचारी मिल जाते हैं, और ये दोनों जगह से अपनी कमीशन लेते हैं। हम लोगों से भी हो सकता है सैलरी का हाफ ले लें, फर्स्ट मंथ की जितनी भी सैलरी आएगी उसका हाफ, या फुल मंथ की सैलरी भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से कंपनी से भी फुल मंथ या फिर हाफ मंथ की सैलरी ले सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह इनके और आते हैं, मतलब मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं। प्रबंध परामर्शदाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पर काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि कंपनी के अंदर जितने भी प्रबंधकों की आवश्यकता है, चाहे वो निम्न स्तर के प्रबंधक हो, चाहे मध्य स्तरीय और चाहे उच्च स्तरीय, ज़्यादातर वैसे उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए परामर्श देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से एजेंसी होती हैं। तो जिस भी कंपनी के अंदर मध्य स्तरीय या फिर उच्च स्तरीय प्रबंधकों की आवश्यकता है, वहाँ पर उस कंपनी के डायरेक्टर्स को या उस कंपनी के मालिकों को ये परामर्श देते हैं कि आप ऐसे ऐसी क्वालिफिकेशन वाले लोगों को रखिए, तो इसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब एक तरह से मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट के लिए ये अपना सहयोग देते हैं, एक तरह से कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं, कंसल्ट करते हैं मैनेजमेंट के लोगों से और मैनेजमेंट के लिए अपना सहयोग देते हैं उनके चुनाव में। नेक्स्ट है कैंपस भर्ती। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि बड़े बड़े जो IITs हैं या बड़े बड़े जो कॉलेज हैं या और भी पॉलिटेक्निक वगैरह जहाँ पर, या IIM जो मैनेजमेंट के कॉलेज हैं बड़े बड़े, जैसे लखनऊ और कानपुर वगैरह, या अहमदाबाद वाले जो IIMs हैं, वहाँ पर लोगों को जहाँ पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ से डायरेक्टली जा करके उनका फाइनल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही उनका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और वहाँ से लोगों को अच्छी खासी सैलरी के पर ही लोगों से मतलब स्टूडेंट्स को अप्रोच करती है और उनके यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे देती है। जैसे आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि कैंपस प्लेसमेंट चल रही है, जैसे थ्री इडियट्स पिक्चर में भी जो माधवन है और आमिर खान वगैरह और एक शर्मन जोशी, तो शर्मन जोशी का जो इंटरव्यू चल रहा था उसका अगर आपको ध्यान हो, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इससे ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये भी सेपरेट पूछा जाता है। तो थ्री इडियट्स पिक्चर में जो शर्मन जोशी का जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए उसको बुलाया जाता है एक्सीडेंट के बाद, ठीक होने के बाद, तो तीन लोग जो उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, ध्यान होगा आपको, तो शर्मन जोशी का फाइनल ईयर कम्प्लीट नहीं होता है, उससे पहले ही उसकी अपॉइंटमेंट कम्प्लीट कर ली जाती है। तो ये कैंपस के अंदर ही कंपनी वाले आए थे और कंपनी वालों ने सभी लोगों का इंटरव्यू लिया था, ठीक है, तो उस इंटरव्यू के दौरान शर्मन जोशी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या है, कैंपस में आकर के भर्ती करना कैंपस प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है संस्तुति अथवा सिफारिश। ये इसका ही हिंदी में मीनिंग है और ये इसका इंग्लिश में कहते हैं रिकमेंडेशन। तो रिकमेंड कर लेना, इसमें क्या है कि जो हमारे पुराने एम्प्लॉई हैं, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, कई बार इसको आंतरिक स्रोत समझ लिया जाता है, लेकिन ये आंतरिक स्रोत नहीं है, ये बाहरी स्रोत है। तो हमारी कंपनी में जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, पुराने एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, कई बार वो लोग ही
अपने किसी सगे संबंधी, अपने किसी यार दोस्त या अपने किसी जान पहचान वाले की रिकमेंडेशन कंपनी को करते हैं कि सर अगर आप उनको रखना चाहें तो उसको रख सकते हैं, उसकी ये क्वालिफिकेशन है और मैं उनकी गारंटी ले रहा हूँ। तो अपने किसी जानकार के बारे में रिकमेंडेशन देना तो ये भी एक प्रकार से भर्ती का बाहरी स्रोत ही कहलाता है, क्योंकि रिकमेंडेशन बेशक चाहे हमारी कंपनी का ही एम्प्लॉय दे रहा है, लेकिन जो बंदा आएगा वो तो बाहर वाला ही आएगा, वो तो कंपनी में हमारी ऑलरेडी काम नहीं कर रहा। मतलब रिलायंस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक तरह से वहाँ पे पिछले 10 साल से 20 साल से काम कर रहा हूँ मान लीजिए, तो मैंने अपने छोटे भाई के लिए रिकमेंडेशन दी कि मेरा छोटा भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उसको काम पर रख लीजिए। तो मेरा भाई ऑलरेडी काम नहीं कर रहा, बेशक मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरी पदोन्नति हो जाती है तो मैं एक तरह से आंतरिक स्रोत कहलाऊँगा, मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है तो मैं आंतरिक स्रोत कहलाऊँगा भर्ती का। लेकिन अगर मैं अपने भाई के लिए रिकमेंडेशन देता हूँ तो मेरा भाई मेरी कंपनी के लिए बिल्कुल नया है, तो वो एक प्रकार से इंटरव्यू दे करके आएगा और बिल्कुल नई अप्रोच मानी जाएगी, तो इसलिए उसको भर्ती का भारी स्रोत ही माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो संस्तुति अथवा सिफारिश को भर्ती का भारी स्रोत ही माना जाता है। श्रम ठेकेदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी कंपनियाज हैं वो जहाँ पे 500 लेबर, 1000 लेबर की बार बार जरूरत पड़ती है, तो वो ज़्यादातर श्रम ठेकेदार के थ्रू ही लगती हैं। आजकल ज़्यादातर काम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही चलता है, तो वो कंपनी है मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो उनको अगर 1000 लोगों की ज़रूरत पड़ी तो वो डायरेक्टली उन 1000 लोगों का इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड किससे बात करेगी, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगी, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे 1000 लोगों को अपने पास बुलाएगा और उन लोगों को फिर काम करने के लिए एक्स वाई जेड लिमिटेड में भेजेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 1000 लेबर है ये इसके यहाँ पर काम नहीं कर रहे, ये किसके यहाँ काम कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, यानी कि उनको जो भी सैलरी मिलेगी वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही मिलेगी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही उन्हें सैलरी देगा, बीच में अपनी कमीशन वगैरह खाएगा या अपना जो एक लमसम अमाउंट है वो खाएगा। लेकिन ये सारे लोग एक्स वाई जेड लिमिटेड में बेशक काम करते हैं लेकिन उसके एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे, किसके एम्प्लॉय कहलाएंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आप देख सकते हो कि स्कूल के अंदर कोई काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन वो रिनोवेशन का काम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चल रहा है, तो वो समिति के एम्प्लॉय यानी कि हमारे विद्यालय के एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हैं, लेकिन काम बेशक हमारे स्कूल में कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम वो हमारी विद्यालय में काम करने के लिए आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को जो अपॉइंट किया जा रहा है वो श्रम ठेकेदार के थ्रू किया जा रहा है, तो श्रम ठेकेदार भी क्या है, एक तरह से जो लोग अप्लाई जो लोगों को भेजते हैं वो भर्ती के भारी स्रोत कहलाते हैं। वेब प्रकाशन लास्ट पॉइंट है इसका, जैसे आपने naukri.com देखा होगा लिखा हुआ, naukri.com पर इंटरव्यू दिए जाते हैं, बायोडाटा भेजे जाते हैं, naukri.portal, जॉब पोर्टल, फ्री जॉब अलर्ट, इस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, इस पर कंपनीज़ भी अपनी इंफॉर्मेशन डालती हैं और लोग भी अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं। जो लोग जॉब सीकर्स हैं, मतलब जो जिन लोगों को जॉब की आवश्यकता है, वो भी अपना बायोडाटा डालते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें इतनी सैलरी पर इस प्रकार की जॉब चाहिए, और कंपनीज़ भी अपनी रिक्वायरमेंट डालती हैं कि इस सैलरी पर हमें इतने लोगों की ज़रूरत है और ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जिस जहाँ पर भी डायरेक्टली मैचअप हो जाता है वहाँ पर लोग फिर अप्लाई कर देते हैं। तो वेब प्रकाशन naukri.com आप याद रखिएगा। तो इंटरनेट के थ्रू जॉब के लिए अप्लाई करना या जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बोलना, ये भर्ती के लिए भारी स्रोत कहलाता है। तो भर्ती के आपने 10 के 10 भारी स्रोत पढ़ लिए, अब इन सारे स्रोतों के लाभ और हानि देखने हैं, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इसे। तो लाभ, नए और योग्य कर्मचारी मिल जाते हैं, विस्तृत चयन होता है, भाई विस्तृत चयन है, अगर हमारे को 2 पोस्ट हमारे पास खाली हैं तो हम 2000 लोगों को अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं, हम श्रम ठेकेदार को बोल सकते हैं, हम naukri.com के थ्रू लोगों को अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं, हम कैंपस भर्ती कर सकते हैं, हम प्लेसमेंट एजेंसी से बात कर सकते हैं, हम गेट के बाहर लोगों के लिए बोर्ड लगा सकते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, हम आकस्मिक बुलावा यानी कि जो हमारे पर डाटा बेस तैयार है उसके थ्रू बात कर सकते हैं, विज्ञापन माध्यम से बुला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू बुला सकते हैं। तो हमारे पर चयन करने का विस्तृत यानी कि एक लार्ज स्केल मिल जाता है कि हम इतने लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो हमारे को और अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, यानी कि विस्तृत चयन होने के कारण योग्य कर्मचारी भी हम अपॉइंट कर सकते हैं और नए नए गुण वाले कर्मचारियों का चयन हो सकता है। जो पुराने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कंप्यूटर के बारे में इतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी अच्छी सैलरी हमारे पास से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम नए लोगों को रखेंगे तो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर नए लोगों का चुनाव कर सकते हैं कि जिनमें ये क्वालिटी होगी हम केवल उन्हीं का चुनाव करेंगे। प्रतियोगी भावना बढ़ती है,
कि नए नए कर्मचारी आएंगे तो जो पुराने कर्मचारी हैं उनमें भी प्रतियोगिता भावना बढ़ेगी और पक्षपात होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉई हैं तो हो सकता है कि हम पदोन्नति किसी ऐसे बंदे की भी कर दें जो उस चीज़ के लिए डिजर्व ना करता हो, ट्रांसफ़र हम किसी ऐसे बंदे का कर दें जो ट्रांसफ़र अभी इतनी ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन अगर हम भर्ती के बाहरी स्रोतों के थ्रू करते हैं तो हम उनके बारे में इतना नहीं जानते, तो ऐसे में पक्षपात होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। हानियाँ क्या है कि जब भाई नए बंदे आएंगे तो पुराने बंदों में कहीं ना कहीं असंतुष्टि तो आएगी ही आएगी, जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनको लगेगा कि भाई ये नया बंदा क्या काम जानता होगा, मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ। तो नए बंदों के आने से पुराने बंदे हमेशा ही अपने आप को असंतुष्ट महसूस करेंगे, हमेशा अपने आप को अनसिक्योर महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि अगर हमारे को दो पोस्ट के लिए भी लोगों के लिए अपॉइंटमेंट करनी है तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। हम पहले लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, फिर उनका सारा डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उन डाटा में से जो बेकार के लोग हैं उनको हटाएंगे, फिर उनके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू, और उनके बाद उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी कि अभिविन्यास कार्यक्रम, फिर उनको ट्रेनिंग देना, तब कहीं जाकर उनको काम पर लगाया जाता है। इस बीच उनके सारे डाटा को चेक भी करना, तो इस बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगी भी है। पूरी जानकारी और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी जानकारी नहीं होती तो कई बार गलत चयन भी हो जाता है, लोग अपने बारे में झूठ बता देते हैं तो कई बार गलत चयन होने की संभावना हो जाती है। इसी के साथ एक लास्ट पॉइंट और आता है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, आपको समझना है, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि, कि जब पुराने कर्मचारी भी हैं और नए कर्मचारी भी हैं, अगर हमें चीफ अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट करनी है और जो जूनियर अकाउंटेंट है उसे ये बात पता है कि मेरा कभी पदोन्नति हो ही नहीं सकती, यानी कि वहाँ पर प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं, कोई ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोशन के लिए बिल्कुल ज़ीरो बुला दिया गया है, यानी कि प्रमोशन होगा ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो पुराने कर्मचारियाँ हैं, जो पुराने कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है कि भाई मेरा कोई प्रमोशन होगा नहीं तो मुझे काम करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, तो ऐसी अवस्था में वो जैसे ही मौका लगेगा तो स्विच ओवर कर जाते हैं, मतलब इस कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, जहाँ उन्हें चांस मिलेगा वो इस कंपनी को छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये पुराने कर्मचारियों में ये असंतुष्टि की भावना रहती है जिनमें भी पदोन्नति के चांसेस नहीं होते, तो ऐसी अवस्था में जो कर्मचारी हैं वो फर्म छोड़ करके कंपनी छोड़ करके जाने लग जाते हैं, तो ऐसे में श्रम का परिवर्तन दर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये थे बच्चों भर्ती के बाहरी स्रोत और उनके लाभ हानि। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चयन, चुनाव।